हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं, जो 1919 में आया था। इस चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। लाइक और शेयर करते जाइएगा ना। देखते हैं सबसे पहले कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था क्या। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जब 1919 में आया था, तो उस टाइम भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम भारत के वायसराय थे। और उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत के जो सचिव थे वो कौन थे? लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। भारत के सचिव कौन होते थे? जो ब्रिटेन में रहकर भारत में वायसराय के थ्रू शासन को चलाते थे, उसे भारत सचिव कहा जाता था, है ना। इस सुधार को भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। और इस एक्ट को ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? मॉन्टफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, इसी अधिनियम को कहा जाता है। हमने देखा कि 1914 से लेकर 1918 तक में प्रथम विश्व युद्ध चला, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटेन का बहुत साथ दिया, है ना। उसके इसी बीच में 1916 का एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, है ना। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता होता है। बहुत सारी बातों को, अपनी मांग को रखते हैं। और यहाँ पर ही 1916 में होम रूल लीग यानी कि स्वराज की स्थापना, अपने देश के शासन के लिए यहाँ पर ऑलरेडी होम रूल लीग शुरू हो गया था, है ना। और फिर उससे पहले 1909 में एक भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, जो 1909 में आया था, जिससे भारतीय खुश नहीं थे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि उसमें मांग रखी गई थी कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दो भारतीयों को रखा जाए, जिसमें एक मुस्लिम हो एक नॉन मुस्लिम हो। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं किया गया था, यहाँ पर भी एक ही सदस्य को शामिल किया गया था। इससे लेकर भारतीय खुश नहीं थे। उसी बात को लेकर 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता होता है कि आगे क्या करना है। 1909 में जब मार्ले मिंटो अधिनियम से लोग खुश नहीं थे, बहुत उनको प्रॉब्लम हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या? ऐसी स्थिति में जो भारत के मंत्री थे, भारत के मंत्री कौन थे उस टाइम? जो भारत के सचिव थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, है ना। लॉर्ड मॉन्टेग्यू बोलते हैं, मॉन्टेग्यू दोनों जी बोलते हैं, ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि भारतीयों को प्रशासन में अधिक से अधिक हम संख्या में शामिल करेंगे और उसे एक उत्तरदायी सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा, है ना। और इसके बाद क्या किया गया? भारत मंत्री जो थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू और वायसराय जो थे, इन दोनों ने मिलकर एक सम्मिलित प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पारित कर दिया। इसी प्रस्ताव को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1909, इसी को कहा जाता है। और इसमें चेंजेस क्या किए गए थे, हम सबसे पहले वो चेंजेस को देखते हैं। दो चेंजेस किए गए थे। सबसे पहले अगर बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव की, तो वहां पे क्या किया गया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव को पहले पता है कि यहाँ पर वायसराय के साथ जो भी उसके, एक तो शासन कैसे चलता था, या तो वायसराय और उसके जो मेंबर होते थे, है ना, जो वायसराय की सहायता करते थे, उसके अलावा जो एडिशनल मेंबर होते थे। तो जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, तो वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे वायसराय की सहायता करने के लिए, वहां पर अब उनकी संख्या को बढ़ाकर 3 कर दी गई, है ना। वायसराय के साथ जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते थे कार्यकारी परिषद में, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, तो संख्या को बढ़ाकर अब 3 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? तो 3 कर दिया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसके सहायता के लिए एडिशनल मेंबर भी हुआ करते थे, है ना, एडिशनल मेंबर। आपको पता है कि 1909 तक की मेंबर की संख्या अधिकतम कितनी थी? 16 थी। लेकिन यहाँ पर इनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बढ़ा के कितना? 16 से लेकर 60 तक होने की थी, लेकिन यहाँ पर इनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? क्योंकि आपको पता है कि 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता के थ्रू एक बात कही गई थी कि भारत यहाँ पे जो आप ये बना रहे हैं एडिशनल मेंबर्स की संख्या को, एडिशनल मेंबर की संख्या को आप और बढ़ाइए, और इनको बढ़ाकर कम से कम आप 150 कीजिए। कितनी कीजिए? 150 कीजिए, है ना। 60 तक थी, अब इसको बढ़ाकर 150 कीजिए, क्योंकि 1909 था कि 16 से 60 के बीच में थी, इनको बढ़ाकर 150 कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव था, जो केंद्र सरकार में थी, यहाँ पे इसको क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया, है ना। जो एडिशनल मेंबर थे उसको दो भागों में बांटा गया। अब देखिए सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पर दो भागों में बांटा गया। एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, है ना। एक अपर हाउस था और एक लोअर हाउस था,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली था और एक काउंसिल ऑफ स्टेट था। यहां पर की संख्या की गई 145, और यहां पर जो संख्या की लोअर हाउस की संख्या की गई कितनी 60, मतलब टोटल कर दिया गया 205। और ये जो मेंबर्स थे इनका कहना था, मुस्लिम जब लखनऊ समझौता हुआ था तो उनका कहना था कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, यहाँ पे जो लोअर कोर्ट है इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, इनकी संख्या, इनके जो कार्यकाल है उनको 5 साल किया जाए। हालांकि इनके कार्यकाल को 5 साल कर भी दिया गया था। और ये जो अपर थे, अपर बॉडी, इनकी जो जिसके जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे, इनका जो कार्यकाल था वो 3 साल था, है ना। इसके कार्यकाल को बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया था। और अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टेट की, जो ये तो हो गया केंद्र के बारे में, हमने केंद्र के बारे में देख लिया कि केंद्र में क्या क्या चेंजेस किए गए थे। चेंजेस किए गए थे कि संख्या को इन्होंने कहा था कि 150 कीजिए, 150 में आधा जो है 50% भारतीय होंगे, और उस भारतीयों में जो 1/3 होंगे, मतलब कि अगर 75 है तो 75 का 1/3, 25 जो होगा वो मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरल होगा, है ना। हम आगे देखते हैं क्या क्या गया राज्य में, क्या क्या गया। आपको बताया कि इससे पहले राज्य में 7 प्रोविंस में जो है प्रोविंस लेजिस्लेटिव था, अब यहाँ पर और भी बढ़ा दिया गया, जैसे बिहार और उड़ीसा और इसके साथ साथ सेंट्रल प्रोविंस, है ना, इसको शामिल कर दिया गया नई लेजिस्लेटिव के रूप में। और इसके साथ साथ क्या क्या गया कि आपको पता है कि यहाँ पर दो चीजें हुई थी, एक क्या कि एक तो संख्या को बढ़ा दिया गया, और उसके साथ साथ डायरची या फिर द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। आपने सुना होगा कि 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय द्वैत शासन चालू किया गया था। अब प्रांतीय द्वैत शासन क्या था, एक तो आपने देखा यहाँ पर सेंट्रल था, सेंट्रल में एक कुछ अपनी अपनी चीज, जैसे आज भी हम देखते हैं अपने यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, संप्रति सूची, उसी तरह से यहाँ पर भी बंटवारा कर दिया गया, जो उसके राइट्स थे, जो उनके पावर्स, उनका बंटवारा किया गया। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल में क्या क्या चीजों को रखा गया, सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में जो आज भी जैसे डिफेंस है, फॉरेन कंट्रीज है का जो मामला अफेयर्स होते हैं वो है, मॉनेटरी पॉलिसी को रख दिया गया सेंट्रल में। इस तरह से सेंट्रल में टोटल 47 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया। और कुछ ऐसी चीजें थी जिसको कि स्टेट में लाई, क्योंकि आपको पता है कि 1861 का जब प्रांतीय एक्ट आया था, प्रांतीय जो एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसमें प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अभी तक 1919 तक ये बातें थोड़ा डिस्प्यूट थी कि किसी भी मुद्दे पे कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, इसी बातों को यहाँ पे अलग कर दिया गया। सेंट्रल के पावर सेंट्रल में दे दिए गए और स्टेट के पावर स्टेट में दिए गए। स्टेट को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक पहला भाग क्या था, एक को हम लोग बोलते थे हस्तांतरित, है ना, हस्तांतरित, जिसको हम लोग ट्रांसफर्ड, और दूसरा था इसमें आरक्षित यानी रिजर्व, आरक्षित यानी रिजर्व, ये ट्रांसफर्ड हो गया, ये रिजर्व हो गया। इसमें अंतर ये था कि हस्तांतरित जो होता था इसमें गवर्नर प्लस मिनिस्टर यानी मंत्री, आपको पता है कि 1919 में जो अधिनियम आया था यहाँ पर लॉ एग्जीक्यूटिव मेंबर की संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया था, और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे वो मंत्री भी बन सकते थे। तो यहाँ पर गवर्नर प्लस मंत्री की सहायता से जो काम होते थे वो ट्रांसफर्ड में रखा गया, जो आरक्षित होते थे यहाँ पर जिन लोगों का रखा गया वो गवर्नर, गवर्नर है ना, गवर्नर होगा नॉट गवर्नमेंट, गवर्नर, और गवर्नर के साथ साथ रखा गया एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को। किसे रखा गया, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर होते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जो होते थे वो क्या होते थे, नॉमिनेटेड होते थे, है ना, और वो क्या होते थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, जबकि जो मंत्री होते थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर स्टेट में, प्रांत में, प्रोविंस में दो तरह की सरकार चल रही है। अब जैसे अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें हेल्थ की बात करें, हेल्थ, एजुकेशन यानी शिक्षा, एग्रीकल्चर यानी कृषि, इन सब चीजों को इसमें शामिल कर लिया गया ट्रांसपोर्ट वाले में, जहां पर कि शासन चलता था गवर्नर और किसकी सहायता से करते थे, गवर्नर प्लस मंत्री, और यहाँ पर गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स क्या होते थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे क्योंकि ये नॉमिनेटेड होते थे, और यहाँ पर गवर्नर प्लस मंत्री की सहायता से होता था क्योंकि मंत्री जो है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। और आरक्षित रिजर्व में रखा गया किसको, जैसे रिवेन्यू, राजस्व जिसको बोलते हैं, राजस्व, पुलिस, फाइनेंस, है ना, जुडिशरी, इन सब चीजों को शामिल किया गया रिजर्व वाले भाग में। तो हमने हम देखा कि राज्य में जो है यहाँ पर क्या क्या गया,
डायरची या डायरकी या फिर द्वैध शासन की स्थापना की गई, हालांकि इसे 1935 के अधिनियम के बाद खत्म कर दिया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नया काम किया गया कि यहाँ पर एक नई पोस्ट का सृजन किया गया जिसे हम बोलते हैं हाई कमिश्नर। क्या बोलते हैं? हाई कमिश्नर, हाई उच्च आयुक्त, कमिश्नर, हाई कमिश्नर के पोस्ट का सृजन किया गया, उच्च आयुक्त के पोस्ट का सृजन किया गया, है ना। इसका काम ये था कि इनको बोला गया कि एक एक वैधानिक जो है आयोग का गठन किया गया, है ना। और इनका ये काम था कि अगले 10 वर्षों के बाद जो भी काम होगा उसका रिपोर्ट सौंपना था, है ना। जिसे ये 1919 में ये रिपोर्ट बना, 1900 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और इसे 1929 में एक रिपोर्ट सौंपना था। और ये हाई कमिश्नर था भारत सचिव की सहायता के लिए, किसी सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक पोस्ट का सृजन किया गया था हाई कमिश्नर। इसका काम था कि एक वैधानिक आयोग बनाया जाए और अगले 10 सालों में रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो 1929 में जो आना था रिपोर्ट, ये 1927 में ही रिपोर्ट बन गया, कमीशन बन गया, आयोग बन गया, और 1928 में भारत आ गया। इसे ही हम लोग बोलते हैं साइमन कमीशन। क्या बोलते हैं? साइमन कमीशन, जो 1927 से बनकर 1928 में भारत आ गया, है ना। इसमें सारे के सारे जो है वो वाइट थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट कमीशन भी बोलते हैं, श्वेत कमीशन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके बारे में, साइमन कमीशन के बारे में। आज के इस क्लास के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।